रेडियो जनपद ऐसी ते देश दुनिया दी खबरां लेके गगनदीप हाजिर। सब तो पहला नजर मारदे हां अज दीआं मुख खबरां ते। चीन ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया की प्रदर्शित। ऑस्ट्रेलिया ने दो संभावित टीकों के लिए अरबों रुपयों का किया समझौता। हाइपरसोनिक क्रूज मिजाइल लॉन्च के खेत्र के डीआरडीओ ने हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। पीएम मोदी बोले सिक्ख्या नीति दे विच सरकार दा दखल घट होना चाहिए है। पंजाब सरकार दा नवा हुक्म हुण सिर्फ ऐतवार नूं होवेगी तालाबंदी। जलंधर जिले दे विच फिर कोरोना दे वड्डी गिणती दे विच नवे मामले मिलन दे नाल अंकड़ा पुज्जा 8000 तों पार। हुण खबरां विस्थार नाल। चीन नाल संबंधित बीजिंग तों आई इस खबर दे अनुसार चीन ने पहली बार अपने देश विच तैयार कोरोना वैक्सीन नूं इक व्यापार मेले दे विच पेश कीता है। सोमवार नूं बीजिंग दे विच आयोजित इक इवेंट दे विच चाइनीज़ कंपनी सिनोबायोटिक अते सिनोफार्म वालों तैयार की गई वैक्सीन प्रदर्शन के लिए रखी गई। हुण तक दोवें कोरोना वैक्सीन बाजार दे विच नहीं आईयां। सिनोवैक बायोटिक अते सिनोफार्म वालों तैयार की गई वैक्सीन का फिलहाल कई देशों दे विच फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। कुछ रिपोर्टां दे विच यह भी कहा गया है कि चीन विच पहला ही कुछ लोगों नूं वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। सिनोवैक कंपनी के एक अधिकारी ने दस्सिया है कि कंपनी ने पहला ही फैक्टरी का निर्माण पूरा कर लिया है जो कि एक साल दे विच वैक्सीन दी 30 करोड़ खुराक तैयार करने दे विच समर्थ है। बीजिंग दे विच आयोजित व्यापार मेले दे विच वैक्सीन नूं देखण दे लई वड्डी गिणती दे विच लोक जुटे। इत्थे दस दिए कि कोरोना वायरस दे कारण चीन नूं विभिन्न देशों वल्लों जोरदार आलोचना दा सामना करना पिया है, पर हुण चीन अपने अक्स नूं बदलण दे विच जुट गया है। मई दे विच चीन दे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी कहा सी कि चीन विच तैयार की गई कोरोना वैक्सीन जनता दी भलाई दी चीज होवेगी। ऑस्ट्रेलिया नाल संबंधित कैनबरा तों आई इस खबर के अनुसार कोविड 19 महामारी के खिलाफ संभावित दो टीकों के निर्माण और सप्लाई संबंधी ऑस्ट्रेलिया ने दवाई कंपनियों के नाल 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के समझौते का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान दे विच दस्या गया है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनका ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से CSIL 2.6 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए टीके दियां 8.48 करोड़ खुराक मुहैया करवाणगियां अते इसका निर्माण पूरी तरह नाल ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न दे विच कीता जाएगा। बयान दे विच दस्या गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके दियां 38 लाख खुराक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अगले साल जनवरी अते फरवरी दे विच मिल जाएंगियां। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि लोगों को टीका उपलब्ध करवाने तों पहलां दोहां टीकों नूं सुरक्षित अते प्रभावी साबित करना होगा। इस दे नाल ही सारे जरूरी रेगुलेटरी मापदंडां नूं भी पूरा करना होगा। कोई भी टीका ऑस्ट्रेलिया के लोगों नूं मुफ्त विच मिलेगा। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तों आई इस खबर के अनुसार देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च के खेत्र के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देश के प्रमुख खोज संगठन रक्षा खोज और विकास संगठन DRDO के विज्ञानियों ने देश के विकसित टैक्नोलॉजी के माध्यम के नाल सोमवार सवेरे 11:30 बजे ओडिशा के तट से व्हीलर द्वीप स्थित डॉ APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्पलैक्स तो यह परीक्षण किया है। इस दे नाल ही देश अमेरिका रूस अते चीन वर्गे चुनिंदा देशां दी श्रेणी दे विच वी शामिल हो गया है जिस कोल इह तकनीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO दे विज्ञानियों नूं इस सफलता दे वधाई दित्ती है। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच कहा है कि DRDO ने देश दे विच ही विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम की वरतों करते हुए हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इस सफलता दे नाल सारियां महत्वपूर्ण तकनीकां हुण अगले पड़ाव दे लई विकसित कीतियां जा चुकियां ने। DRDO के अनुसार इस हाइपरसोनिक क्रूज यान नूं रॉकेट मोटर की मदद दे नाल लॉन्च किया गया है। क्रूज यान भी लॉन्च यान तो वक्ख हो गया अते अपने तय मार्ग से आवाज़ की गति तो 6 गुणा तेज यानी कि 2 किलोमीटर प्रति सैकेंड तो भी वध समय तक अगे वध्या। इस दौरान सारे मानकां ने तय तरीके नाल काम किया। इस यान की मिशन की वक् वक् पद्धर से रडार अते होर यंत्रां दे नाल निगरानी की जा रही सी। मिशन की निगरानी के लिए बंगाल की खाड़ी के जल सेना का जहाज भी तैनात से। सारे मानकों की निगरानी के नाल मिशन के सफल होने के संकेत मिले। इस दे नाल ही देश दे विच हाइपरसोनिक मेनूवर अते एरोडायनामिक कॉन्फिगरेशन अते स्कैमजेट प्रोपल्शन वर्गियां महत्वपूर्ण तकनीकां हासिल कर लईयां ने। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने भी अपने सारे विज्ञानियों ते सहयोगियों अते स्टाफ नूं इस उपलब्धि के लिए वधाई दित्ती है। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तों आई इस खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार नूं नवी कौमी सिक्ख्या नीति ते आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस दे विच हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन दे विच कहा है कि देश दे टीचियां नूं सिक्ख्या नीति दे विस्तार दे जरिए ही पूरा किया जा सकता है। सिक्ख्या व्यवस्था की जिम्मेवारी तों केंद्र सूबा सरकार स्थानक बॉडी सारे जुड़े होंदे ने, पर यह सही है कि यह सिक्ख्या नीति च सरकार उसका दखल उसका प्रभाव घट होना चाहिए है।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 207 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।